सत्संग जी, बड़े प्यार से कहना धनकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल निरंकारी सॉन्ग पर। सत्संग जी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिस प्रकार सत्संगत जैसी हमारी सोच होती है, हमें उसी प्रकार से ये सारी दुनिया दिखने लगती है। अगर हमने हरे रंग का चश्मा डाला हुआ है तो सत्संग सब हरा ही दिखाई देगा। इसी प्रकार अगर हम किसी के लिए ये सोचेंगे कि ये बुरा है ये बुरा है, तो सत्संग हमें सब, क्योंकि हम बुरे हैं तो सभी हमें, सभी में हमें बुराई ही दिखेगी। अगर हम अच्छे हैं तो सत्संग हमें दूसरों की अच्छाइयाँ दिखनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हम उनकी अच्छाइयाँ इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि हमारे अंदर बुराइयाँ भरी हुई हैं। उन बुराइयों के कारण सामने वाले की अच्छाई को भी हम बुराई समझ कर बैठे हैं। जैसे हम खुद हैं वैसे ही सोच रहे हैं कि सामने वाला भी वैसे ही होगा। सर, इसी प्रकार छोटी सी कहानी है कि एक बार एक नेता जो सत्संगत अपने एरिए का जाना माना नेता था और सारे उसको सलाम करते थे और उसके साथ बहुत सारी गाड़ियां भी चला करती थी। अगर वो कहीं जाता तो उसके समर्थक एक दो गाड़ियां लेकर उसके साथ जरूर रहते, और एक गाड़ी उसके सिक्योरिटी गार्ड्स की, कुछ सिक्योरिटी गार्ड तो उसी की गाड़ी में और कुछ दूसरी गाड़ी में हमेशा तैनात रहते। वो जहां भी जाता लोग उसकी खूब सेवा करते। एक दिन सत्संगत वो अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ गुजर रहा था तो किसी ने कहा कि आगे महात्मा जी हैं, उनका सत्संग चल रहा है। तो वो कहने लगे कि काफ़ी पहुँचे हुए महात्मा हैं, सभी लोग अपनी समस्याएं इनसे पूछते हैं और ये उनका हल कर देते हैं। तो सत्संगत उस नेता ने भी कहा कि मैं भी इनसे मिलना चाहूँगा। अब सत्संग वो पहुँच गए उनसे मिलने के लिए, और उनकी जो सत्संग चल रही थी वो सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि महात्मा जी उठकर आएंगे और मेरा स्वागत करेंगे, क्योंकि उस नेता की आदत थी जहाँ भी जाता था उसका स्वागत होता था। लोग उसको अलग अलग से गिफ्ट देते थे, फूल देते थे, और फिर वो अंदर जाया करता था। लेकिन सत्संगत महात्मा जी ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अब सत्संगत सत्संग की समाप्ति हो चुकी थी और वो महात्मा जिसे लोग बात कर रहे थे, अपनी अपनी समस्याएं बता रहे थे और महात्मा जी उनको उनके हल बता रहे थे। अब उसने सोचा कि महात्मा जी ने देखा नहीं है, थोड़ा और आगे चलता हूँ। वो थोड़ा और आगे होकर महात्मा जी के सामने आ गया। महात्मा जी ने फिर भी उनसे कोई बात नहीं की। अब तो सत्संगत और नेता जी सोचने लगा, ये तो तेरी बेइज्जती हो रही है, तेरी तोहीन है। वो महात्मा जी से कहने लगा, महात्मा जी मैं आपसे मिलने आया हूँ। महात्मा जी ने कहा, हाँ ठीक है बेटा, बैठ जाओ, अभी सत्संग से बात कर लूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। अब सत्संगत नेताजी ये बात सुन करके बड़े गुस्से में आ गए कि मैं एक नेता, इतना बड़ा नेता, और मुझे यहाँ नीचे दरी पर सत्संग के साथ बैठने के लिए कह दिया, मेरा कोई स्वागत नहीं, मेरे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। अब सत्संगत वो अपने जो पूरा काफिला था, पूरी भीड़ के साथ आया था, लेकिन वो बैठा नहीं और महात्मा जी को कहने लगा, महात्मा जी मुझे टाइम नहीं है, मुझे आगे भी जाना है। महात्मा जी ने कहा, बेटा शांत हो जाओ, अभी इनसे बात कर लूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। अब सत्संगत उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने 2 मिनट तो और इंतजार किया कि महात्मा जी बात करेंगे, लेकिन सत्संगत महात्मा जी उससे बात नहीं की।
तो उसने 2 मिनट के बाद फिर कहा कि महात्मा जी, आप जानते नहीं मैं कौन हूं। मैं यहाँ का नेता हूं। अब सत्संगत, उन्होंने कहा कि महात्मा जी बोले, बेटा शांत हो जाओ, तुम जो भी हो शांत हो जाओ, मुझे अच्छे इंसान दिखते हो, शांत हो जाओ। अब कहने लगा, महात्मा जी मुझे अच्छा कह रहे हैं, ये तो बहुत बढ़िया बात है। नेता अपनी तारीफ सुनकर के फूला नहीं समाया, 5 मिनट फिर इंतजार करने लगा। 5 मिनट के बाद नेताजी का सब्र का बांध फिर टूटा और कहने लगा, ओ महात्मा जी, आप अपने आप को क्या समझते हो? मैं आपसे बात करने आया हूँ और आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो। महात्मा जी ने फिर कहा कि बेटा, अभी आप अपनी बारी का इंतजार करो, आपसे बात जरूर करूंगा। अगर समय नहीं है तो फिर आपसे मिल लूंगा, आप फिर समय निकाल करके आ जाना। इस पर तो सासन तो आग बबूला हो गया और कहने लगा, महात्मा जी, जो आप यहाँ ढोंग रचा रखा है, मैं आपका ये सब उठवा दूंगा, आपको छोड़ूंगा नहीं, बहुत जल्द आपके पास आऊंगा और ये सब खत्म करवा दूंगा। तो सासन महात्मा जी हंसने लगे और कहने लगे, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, नेक इंसान हो, कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, जो आप करना चाहो कीजिए, बैठना चाहो तो बैठो, सत्संग का आनंद लो, महात्माओं के साथ गुरु की बात करो, इस संसार का यश करो। लेकिन सत्संग वो फिर कहने लगा, महात्मा जी, अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा, मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी। महात्मा जी फिर हंसने लगे, कह रहे, नहीं सज्जन, हम आपकी बेइज्जती नहीं कर रहे, ना ही आपकी कोई यहाँ पर इंसल्ट हुई है, कोई बात नहीं, आप बाद में आ जाना। सत्संगत ये बात सुन करके नेता वहां से निकल गया और बड़ा परेशान कि नेताजी से बात नहीं की महात्मा जी ने। अब वो शाम को घर पहुंचा और अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी, आज मैं ऐसे ऐसे महात्मा के पास गया और उन महात्मा ने सारी बात उनको बताई कि मुझे बहुत अच्छा इंसान कहा, लेकिन महात्मा को मैंने बहुत गालियाँ सुनाई, उनको ढोंगी कहा, को कहा कि ये सब उठवा दूंगा तुम्हारा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो मुझे अच्छा लगा, उन्होंने मुझे अच्छा इंसान कहा, मैं भी अच्छा इंसान हूँ, तभी उन महात्मा ने मुझे कहा है। उसके पिताजी ने उसे समझाया, बेटा जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि होती है, वो आपको अच्छा इंसान कह रहे थे क्योंकि वो अच्छे इंसान थे, आप में भी अच्छा इंसान देख रहे थे, लेकिन आप अच्छे इंसान नहीं थे, आप क्या कर रहे थे वहां पर? महात्मा जी की बेइज्जती कर रहे थे, आप असल में बुरे इंसान हो, तभी आप उनको बुरा कह रहे थे, जैसे हम होते हैं वैसे हमें सारी दुनिया दिखती है। अब सत्संगत नेताजी ये बात सुन करके बड़े शर्मिंदा हुए। और सत्संगत इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिल रही है कि अगर हमने किसी को दुनिया को देखना है तो अपने नज़रिए से देखते हैं, तो सत्संगत अगर हमारा नज़रिया ठीक नहीं है तो हमें सब बुरे दिखेंगे, सब में बुराई नजर आएगी, कहीं किसी में कोई अच्छाई नजर नहीं आएगी। और सत्संगत इसीलिए महात्मा जी ने पहले ही कह दिया कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सत्संग जी बड़े प्यार से कहना, धन्यवाद जी।